फ्रेशर पार्टी को लेकर दो गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए। पहला गुट फ्रेशर पार्टी की परमिशन नहीं मिलने का विरोध कर रहा था। खटीमा महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी को लेकर दो गुटों के छात्रों ने असमंजस की स्थिति बना दी। एक तरफ जहां एबीपी के छात्र फ्रेशर पार्टी की परमिशन न मिलने से आक्रोशित हैं, तो वहीं एनएसयूआई के छात्र महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की परमिशन दिए जाने के विरोध में है। एनएसयूआई के छात्रों ने महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी कराने की जगह पढ़ाई में तीव्रता लाने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को हालात से अवगत कराया, जिसके बाद कोतवाली उपनिरीक्षक अशोक कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर एक दूसरे से दूर किया। विद्यार्थी परिषद जो सभी छात्र छात्राओं के साथ यहाँ धरने पे कॉलेज बंदी कर रखी है हम सभी लोगों ने, क्योंकि महाविद्यालय में हम लोगों ने 24 फरवरी को एक ज्ञापन दिया था कि हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम फ्रेशर्स पार्टी के रूप में इस महाविद्यालय में कराना चाहते हैं, जिसके साथ प्रिंसिपल सर ने हमारा ये लेटर लिया और इस लेटर में उनने कार्यालय को ये फॉरवर्ड कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्टरेट में भी भेज चुके हैं। उसके बाद जब उन लोगों ने हमें लेटर दिया वो छुट्टी में चले गए। उसके बाद हमारे पास इसको लेके कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो प्रभारी प्राचार्य जो मैम है वो कह रही हैं कि प्रिंसिपल सर ने मना करा हुआ है, वो कोई कार्यक्रम नहीं होना देना चाहते हैं। उसके साथ भी हम लोगों ने उन लोगों से एक मांग रखी है कि आप हमें लिखित रूप में, अगर आप महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं देना चाहते हैं तो आप हमें लिखित रूप में हमारी एप्लीकेशन में लिख के दे दीजिए कि आपको महाविद्यालय की ओर से कोई भी अनुमति नहीं है। प्रोग्राम की अनुमति चाहिए जो कि हमारे प्राचार्य ने अनुमति नहीं दिया है, वो उसी के लिए कह रहे हैं कि आप अनुमति लिख के दे दो। देखिए, हमारे यहाँ प्राचार्य नहीं है, कोई भी प्राचार्य है नहीं, पर प्रभारी प्राचार्य थे जो इस समाज के मेडिकल में है, तो हम तो यथास्थिति बनाए ही रखेंगे ना, क्योंकि हम तो प्रभार में प्रभार वाले हुए। महाविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, तो इसी के चलते आपस में क्लैश होने की संभावना है, तो हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ आए। दोनों पक्षों के छात्रों से वार्ता की गई और दोनों पक्ष के छात्रों को समझा दिया गया है कि आप जो है कानून व्यवस्था बनाए रखें, जो भी तुम्हारी लीगल डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को कानून व्यवस्था की हद में रहते हुए उनको उनकी मांग। एक स्वतंत्र भारत की हुआ है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, कोई भी धरना कर सकता है, लेकिन देखिए मैं सुझाव इनको देना चाहूँगा कि कहते हैं धरना अगर आप कर रहे हैं तो एक मतलब जायज मांगे पर जाए। देखिए, आप फ्रेशर पार्टी आपने परमिशन नहीं ली है वो तो अलग बात है, प्रचार जी छुट्टी पे है, लेकिन जो मांग होनी चाहिए इनकी वो होनी चाहिए पहले तो हमारे महाविद्यालय को प्राचार्य मिले। देखिए, प्राचार्य हमारे महाविद्यालय में नहीं है, ये कोई भी प्राचार्य बना के भेज देते हैं जो डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। देखिए, मेरा इनसे यही है कि अगर मांग रख रहे हैं तो सही मांगे रखें, प्राचार्य पहले इस कॉलेज में आए, अगर इस महाविद्यालय में प्राचार्य आता है तो अपने आप ही इस महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी की मांग कर रहे हैं, फ्रेशर पार्टी की होगी सारी चीज़ होगी, लेकिन मांगों को सही तरह से रखना इनको आना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।